सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोको M3 और सैमसंग गैलेक्सी M30S को कंपेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप उससे पहले कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं इनके वेट की। तो 197 ग्राम वेट है पोको M3 का, और सैमसंग का M30S का 188 ग्राम वेट है। तो इसमें सैमसंग का वेट ठीक है। तो बात करें हम इनकी हाइट की, तो 162 mm है पोको M3 की, और M30S की है 159 mm। तो इसमें पोको M3 बेटर है। तो चलिए चलते हैं विड्थ की ओर। तो विड्थ की बात करें तो यहाँ पर भी 77.3 mm पोको M3 की, और सैमसंग गैलेक्सी M30S की विड्थ है 75.1 mm। तो इसमें भी पोको M3 की विड्थ ज़्यादा अच्छी है। तो बात करते हैं अब इनकी थिकनेस की। तो 9.6 mm थिकनेस और 8.9 mm थिकनेस है M30S की। तो इसमें M30S बेटर है। तो चलिए हम बात करते हैं इनके कलर की। कलर दोनों के ही अच्छे है, ब्लैक ग्रीन है M30S का, और पोको M3 में तो बहुत ही सारे हैं। तो इसमें चलिए हम दोनों को विनर बना देते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं इनकी बैटरी की। 6000 mAh की बैटरी है दोनों स्मार्टफोन्स में। तो बहुत ही अच्छी इन दोनों की बैटरी है, आप जो सा लेना चाहें ले सकते हैं, इसमें भी दोनों ही बेटर हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनकी सिम टाइप। दोनों में ड्यूल सिम अवेलेबल है, तो दोनों को हम यहाँ पर ग्रीन टिक दे देंगे। तो बात करते हैं अब हम इनकी आगे चार्जिंग स्पीड की। तो चार्जिंग स्पीड में पोको M3 बेटर है, क्योंकि इसकी 18 वॉट फास्ट चार्जिंग है, और सैमसंग M30S की 15 वॉट फास्ट चार्जिंग है। तो इसमें पोको M3 बेटर है। और बात करें इनकी फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर दोनों को विनर बनाते हैं, ग्रीन टिक देते हैं। तो बात करते हैं अब हम इनकी प्रोटेक्शन की। तो गोरिल्ला ग्लास 3 का पोको M3 में, और सैमसंग M30S में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। दोनों ही प्रोटेक्शन बेटर है। तो हम इनको ग्रीन टेक यहाँ पर भी देते हैं। तो हम बात करते हैं इनके बिल्ड मटेरियल की। तो प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक इनका जो बैक का फ्रेम है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो हम चलते हैं अब आगे। तो हम बात करते हैं अब इनकी स्क्रीन की साइज़ की। तो स्क्रीन साइज इनकी है 6.53 इंच पोको M3 की, और 6.4 इंच है सैमसंग F30S की। इसमें भी पोको M3 बेटर है। तो हम बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। प्रोसेसर यहाँ पर दोनों का ही बहुत अच्छा है, लेकिन सैमसंग M30S का थोड़ा बेटर है स्नैपड्रैगन से। स्नैपड्रैगन भी अच्छा है वैसे, लेकिन थोड़ा सा बेटर सैमसंग का है। यहाँ पर हम बात करें अगर इनकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी सैमसंग M30S की बेटर है। सुपर एमोलेड और IPS LED पोको M3 की है। तो यहाँ पर भी सैमसंग का M30S बेटर है। तो हम बात करते हैं इनके सेल्फी कैमरा फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा बेटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं इनके बैक कैमरा की। तो बैक कैमरा में भी सैमसंग थोड़ा सा बेटर है। तो चलिए यहाँ पर भी हम सैमसंग को ग्रीन टिक दे देंगे, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इनकी नेटवर्क सपोर्ट की। ये दोनों ही स्मार्टफोन 2G 3G एंड 4G सपोर्ट करते हैं। तो दोनों को यहाँ पर हम ग्रीन टिक दे देंगे। तो चलिए आगे। तो हम बात करते हैं इनके वेरिएंट्स की। दोनों में अच्छे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक देंगे दोनों को। और चलते हैं अब हम लास्ट प्राइस की तरफ। तो प्राइस में पोको M3 बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन टेक देंगे तो पोको M3 को देंगे। और अब हम बताने वाले हैं आपको विनर। तो विनर कौन बनने वाला है, तो देखिए आप विनर यहाँ पर हमारे
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पोको M3 को विनर दे दिया है, तो आप पोको M3 ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को।